50 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष महज 6 दिन ही चला, लेकिन इसका असर आज तक नजर आता है। साल 1948 के आखिरी में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने हमला कर दिया था। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। अरब और इजराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर रही। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन यहूदियों के हमले से फलिस्तानियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। 1948 में इजराइल के गठन के बाद ही अरब देश इजराइल को जवाब देना चाहते थे। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाली थी। इससे पहले अराफात ने फतह नाम का संगठन बनाया था, जो इजराइल के विरुद्ध हमले कर काफी चर्चा में आ चुका था। 1967 का युद्ध इजराइल और इसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में सामने आया। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इसके दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप ही बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलम से ढकेल दिया। इसके कारण 500,000 और फलिस्तीनी बेघर हो गए। 1973 में संघर्ष जब कूटनीतिक तरीकों से मिस्र और सीरिया को अपनी जमीन वापस नहीं मिली, तो 1973 में उन्होंने इजराइल पर चढ़ाई कर दी। अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद इजराइल अमेरिका पर और अधिक आश्रित हो गया। इधर सऊदी अरब ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जो मार्च 1974 तक जारी रहा। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवंबर 1977 को यरूशलम पहुंचे और उन्होंने इजरायली संसद में भाषण दे दिया। सादात इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने। अरब देशों ने भले ही मिस्र का बहिष्कार किया, लेकिन अलग से इजराइल की संधि की। 1981 में इजराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी।